नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ये सिर्फ एक कुकिंग चैनल ही नहीं है, ये मैंने उन लोगों को ध्यान में रख के शुरू किया है जिनको या तो सिलिक डिजीज है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन से एलर्जी है। इस चैनल पे आपको मोस्ट हेल्दी ग्लूटेन फ्री वेजिटेरियन रेसिपीज देखने को मिलेंगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो मेरी किचन में बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं कि शायद आप लोगों की भी उससे कुछ मदद हो सके, आप लोगों को कुछ आइडिया मिल सके। हम हर रोज मार्केट में सब्जी खरीदने नहीं जा सकते, एक दो दिन की सब्जी तो हम लेके ही रखते हैं। आज सब्जी वाले भैया के पास बहुत अच्छी सब्जियाँ थी तो हमने बहुत सारी सब्जियाँ बल्क में ले ली हैं, जिसमें है टमाटर, चलिया, खीरा, आंवला, हरी मिर्चे, धनिया, स्प्रिंग अनियन, कच्ची हल्दी, अदरक और बहुत कुछ। इन सभी सब्जियों को पहले हमने बेकिंग सोडा पानी में डालकर 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया। फिर पानी बदल बदल कर इन सबको धोकर किचन टॉवल पर फैलाकर एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम अपने छोरिया को एक क्लियर प्लास्टिक जिपलॉक बैग में भरकर फ्रीजर कर देंगे। फ्रीजर में डालने से इनकी लाइफ रुक जाती है और ये खराब नहीं होते। और जब भी हमें इसकी चटनी बनानी होगी या सब्जी बनानी होगी तो इसमें से हम थोड़ा सा जितना हमें चाहिए वो निकाल कर सब्जी या चटनी बना लेंगे। अगर हम इसको बाहर फ्रिज में रखते हैं तो ये अगर एक दो दिन के अंदर आपने इसको यूज़ नहीं किया तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे ये तरीका बहुत ईजी और सेफ लगता है इस तरह फ्रीजर करने का। फिर मैंने टमाटर और बीन्स को नेट बैग में भर कर फ्रिज में रख दिया। इससे मेरी फ्रिज ऑर्गेनाइज रहती है, इनमें एयर सर्कुलेट होती रहती है तो ख़राब भी ये नहीं होती। मैं हमेशा सब्जियों को धोती हूँ, सुखा के बाद में फ्रिज में रखती हूँ, इससे मेरी फ्रिज भी साफ़ सुथरी रहती है और जब मुझे सब्जी बनानी होती है तो जो धोने की मेहनत है वो भी बच जाती है। सो मुझे ये तरीका ईजी लगता है। उसके बाद मैंने अपने आंवले की भी स्लाइसेस बना ली हैं। एक आंवले में से करीबन 6 स्लाइसेस बनाई हैं, क्योंकि अगर आंवले को ऐसे फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, कई बार टाइम पे हम इसको यूज नहीं कर पाते और जब हमें चाहिए होता तो हमारे पास आंवला होता नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या तरीका निकाला है कि इस तरह इसकी स्लाइसेस बनाकर एक थाली में या बड़े बर्तन में फैला कर ऊपर से ये क्लियर प्लास्टिक लगा कर उसको 2 घंटे के लिए मैं फ्रीजर में रखूंगी। 2 घंटे बाद जब हमारी स्लाइसेज, आंवले की जो स्लाइसेज है वो इंडिविजुअल फ्रिज हो जाएंगी, तब हम इनको निकाल कर एक फूड सेफ्टी जिपलॉक में बैग में भरकर फ्रीजर में दोबारा से रख देंगे। इस तरह करने से हमारे पास हमेशा आंवले के स्लाइसेज होंगी और जब भी हमें चाहिए हम इसको यूज कर सकते हैं। आंवले के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन सी होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हार्ट हेल्थ को स्ट्रांग बनाता है, आपके किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है आंवले के अंदर, लेकिन हमेशा ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। मुझे ये तरीका थोड़ा सेफ लगा और इजी लगा कि इस तरह अगर हम फ्रीजर में इसको स्टोर करके रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हम आंवले को यूज कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होता। जब भी चाहे 2-4 स्लाइस निकालिए और चटनी या में या सब्जी में या जूस में डाल के और आप उसको यूज कर सकते हैं। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लहसुन को छील कर धोकर किचन टॉवल पर फैला के उसको ऑलरेडी एयर ड्राई कर लिया। उसके बाद हम अदरक को भी छील लेंगे, क्योंकि हमारी ऑलरेडी अदरक धुली हुई है तो इसके जो छिलके हैं उनको मैं सेव करने वाली हूँ, फेंकूंगी नहीं। इनको चाय बनाने में यूज कर लेंगे और कुछ को फ्रीजर में डाल दूंगी और जब मुझे वेजिटेबल ब्रोथ बनानी होगी तो मैं इनको यूज कर लूंगी। सब्जियों को मैं पहले इसलिए धोती हूँ ताकि मैं उनको के स्क्रैप को सेव कर सकूं। सब्जियों के स्क्रैप्स में, छिलकों में सब्जियों से ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इसलिए मैं उन्हें कभी नहीं फेंकती और इनको वेजिटेबल ब्रोथ बनाने में यूज कर लेती हूँ। ये वेजिटेबल ब्रोथ बनाने की ऑलरेडी वीडियो है चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। फिर सबसे पहले हम जो अदरक का पेस्ट बनाएंगे, अदरक के मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सी जार में डाल दें। थोड़ा थोड़ा बारीक पानी डालकर बारीक महीन पेस्ट तैयार कर लें, पानी ज्यादा ना डालें, थोड़ा ही डालें। फिर जो ये हमने पेस्ट तैयार किया है इसको एक आइस ट्रे में डालकर ऊपर से प्लास्टिक रैप लगाकर फ्रीजर में रख दे। प्लास्टिक रैप हम इसलिए लगा रहे हैं कि सब्जी की जो भी अदरक की या जो भी हम चीजें जमा रहे हैं उनकी स्मेल्स फ्रीजर के अंदर ना फैले और ये थोड़ा हिले डुले तो ये बाहर गिरकर मैस ना हो। अदरक के बाद अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी तैयार करेंगे। उसके लिए ये लहसुन डाल दिया मिक्सी के अंदर, अदरक काट कर डाल दी और जब ये छोटे छोटे आंवले के पीसीस थे, आंवला की जब हमने स्लाइस बनाई थी तो जो कुछ स्क्रैप्स बच गए थे वो डाल दिए मिक्सी के अंदर और अब हरी मिर्च के बीज निकाल कर भी इसके अंदर डाल देंगे। हरी मिर्च बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी हेल्थ के लिए, इसकी जो स्किन है इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती हैं,
जो सीड्स हैं इसके वो इरिटेशन पैदा करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और जो स्पाइस और तीखापन होता है मिर्ची के अंदर वो इन्हीं सीड्स के अंदर होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसके सीड्स निकाल दें। अगर आप ये सीड्स निकाल देंगे तो छोटे बच्चे भी सब्जी को खा सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी मिर्च कंज्यूम करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपने मेरी और वीडियोज़ देखे होंगे तो जब भी मैं कोई सब्जी या दाल बनाती हूँ तो साबुत हरी मिर्च पकाती हूँ सब्जी के अंदर, उसका यही रीज़न है कि उसका एक्सट्रैक्ट निकल जाए सब्जी में और सब्जी स्पाइसी भी ना हो। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भी अदरक की तरह बारीक महीन पेस्ट तैयार कर लें, पीस लें, थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर पीस लें। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, इतना इतना ही पानी डालना है। एक एक चम्मच पानी डाल के एक दो बार रुक रुक के चलाएं, ये इजीली पीस जाता है, वो टाइम नहीं लगता। फिर इसके अंदर हमने दो चम्मच ओलिव ऑयल डाल के मिक्स कर लिया है। एक बार फिर से मिक्सी को चला ले ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए, और फिर इस पेस्ट को भी आइस ट्रे में भरकर प्लास्टिक रैप लगाकर फ्रीजर कर लें। और जब भी आप सब्जी बनाएंगे तो सब्जी जितनी सब्जी बना रहे हैं उसके हिसाब से एक या दो क्यूब निकालें और सब्जी तड़के में इसको डाल दें। यहाँ आपको आंवले का खट्टापन भी मिलेगा, अदरक लहसुन भी है इसके अंदर, मिर्ची भी हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत टाइम सेव करता है जब मैं सब्जी बनाती हूँ। और हमेशा ये क्यूब मेरे पास फ्रिज में होती हैं, इससे मेरी अदरक ख़राब नहीं होती, आंवले का भी मैं यूज़ कर पाती हूँ। सो मेरे लिए तो ये वर्क करता है। आई होप मेरा ये आइडिया आप लोगों के लिए भी वर्क करे। अब यहाँ पर हमारी हरी मिर्ची भी ड्राई हो गई हैं। इनको पहले अच्छे से धो लिया था, फिर किचन टॉवल पर फैला के अच्छे से इसका पानी सोख कर लिया। पूरी तरह ड्राई आपकी मिर्ची होनी चाहिए। फिर इनके डंठल हैं वो इनसे रिमूव कर दें, शायद इनको डंठल ही बोलते हैं, पर जो भी बोलते हैं इनके जो पीछे का हिस्सा है मिर्ची का वो इनसे अच्छे से अलग कर दें, और फिर इनको किसी प्लास्टिक के कंटेनर में या जिप लॉक में भरकर आप फ्रिज में रखें। बस एक टिश्यू पेपर या नैपकिन इनके अंदर साथ ज़रूर रख दें ताकि जो मॉइस्चर बने वो ये पेपर टॉवल सो करता रहे। इस तरह करने से आपकी मिर्ची दो वीक तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएंगी, एज इट इज रहेंगी। अब ये मेरी पुरानी मिर्ची है जो दो वीक पहले मैंने इसी तरह तैयार करके रखी थी। जो पुराना टिश्यू पेपर है इसके अंदर पेपर टॉवल, उसको मैं निकाल दूंगी। बॉक्स को अच्छे से साफ करके नया पेपर टॉवल इसके अंदर लगाकर जो आज हमने मिर्चियाँ तैयार की वो इसके अंदर डाल देंगे। फिर एक और टिश्यू पेपर इसके अंदर लगा के जो ओल्ड मिर्ची हैं वो भी ऊपर से इसके ऊपर रख देंगे और यूज़ कर लेंगे। ये मैंने सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए बाहर निकाली है ताकि आप देख सकें कि मिर्चियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हैं, और इस तरह हमेशा आपके पास फ्रिज में मिर्ची होंगी। आई होप मेरा ये आइडिया भी आप लोगों के लिए वर्क करे। अब जिंजर गार्लिक के पेस्ट की जो हमने ट्रे जमाई थी वो जम चुकी हैं। अब जिंजर की जो क्यूब्स हैं इनको हम एक जिपलॉक में डालकर दोबारा से फ्रीजर में रख देंगे। और हर जिपलॉक के ऊपर मैंने लिख दिया है कि किस में क्या है। आइस ट्रे जो है वो हमारी एम्प्टी हो चुकी है दोबारा प्रिपरेशन के लिए, और जो हमने आंवले की स्लाइस बनाई थी वो भी जिपलॉक में डाल दी है। आंवले की तरह ही हमने चीकू की स्लाइस बना के जमाई है, उसको भी हम अब जिपलॉक में डाल देंगे। और बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपको एक स्वादिष्ट चीकू की रेसिपी के साथ कि इन स्लाइस का मैं क्या करती हूँ। और जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा सब्जी होती है उनको इसी तरह साफ करके काट के फ्रीजर कर लेती हूँ, इससे मेरी सब्जियाँ भी ख़राब नहीं होती।